हरि बोल, जय श्री कृष्णा। हरि बोल जय श्री कृष्णा। हरि बोल जय श्री कृष्णा।
All right. चलिए शुरू करते हैं. कौन वॉलंटियर करेगा आज? आई एम रेडी. हरि बोल. और कोई नहीं बोलता है तो मैं बोलती हूँ. मैं भी पढ़ सकती हूँ स्मिता? चलेगा, नो प्रॉब्लम. बोलो. ठीक है, मैं भी पढ़ सकती हूँ. अच्छा सिंकू. हाँ अनिता जी को पढ़ लेने दीजिए, फिर सिंकू नेक्स्ट वीक आप पढ़ लेना. ओके ठीक है. चलिए नीता, थोड़ा सा बस बता देना. अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना आज? यस, आज तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, मैं प्रेयर शुरू करूं? हाँ कीजिए. मेरा फेवरेट चैप्टर है. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चलिए चैप्टर थ्री का पहला श्लोक पूरा पढ़ दीजिएगा. अच्छा. कर्मयोग. अर्जुन उवाच. जायसि चैत्कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत. कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है. किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं. इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी. अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो. दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया. उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग
अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। दूसरा वाला कल श्लोक और अर्थ पढ़ देना, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। व्यामिश्रेणेव व्याख्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक शब्द उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो आप लोगों को स्मरण होगा पिछला चैप्टर 2 पर जब हम लोग थे, तो भगवान ने आत्मा से शुरू किया और उस समय पर एक जिस्ट दिया कि अर्जुन को युद्ध कैसे करना चाहिए। अर्जुन ने पूरा अपना तर्क रखा था, अपने लॉजिक रख दी थी कि युद्ध कितना सिंफुल है, कितना इसका जो नेगेटिव जो इफेक्ट्स होगा बहुत ज्यादा है भगवान। तो अर्जुन ने अपना तर्क रखा था और तर्क रख के कहा था कि युद्ध वो करना नहीं चाहता, और भगवान ने फिर उसको समझाने की का प्रयत्न किया और उस समझाने के उसमें भगवान अब कर्मयोग तक पहुंचे। आप लोगों को याद होगा कुछ शब्द चैप्टर 2 के, एक तो आत्मा, तो मैं आशा करती हूँ आत्मा तो आप लोगों को समझ गया कि पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। जो जो अर्जुन को सिखा रहे हैं भगवान वो हमको सिखा रहे हैं, समझ में आया। तो पहला चीज क्या करना है, हम आत्मा है, ये मेडिटेशन आपको रोज करना है, रोज। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जितने भी मेरे जीव मेरे आसपास हैं सभी के सभी आत्मा है, सभी के साथ मेरा एक रिलेशन है, सभी के प्रति मेरा कर्तव्य है, सब आत्माएं हैं और हम सब आत्मा है, उस बुद्धि में रहना। फिर भगवान ने उसको कहा युद्ध करने के लिए, कहा अर्जुन को, आत्मा की पहले बात बताई, कहा कि देखो युद्ध में कोई मरने वाला नहीं है, ये पहले भी थे ये आगे भी रहेंगे, तो तुम अपनी लॉजिक हटा दो, आर्ग्यूमेंट हटा दो, बेकार की बातें मत सोचो, बार बार कहा है नानु सोची तुम अरहसी, बार बार तुम मत सोचो, अलग अलग लॉजिक अलग अलग भगवान ने डिबेट से उसको समझाने की कोशिश की अर्जुन को। उसमें फिर आगे जाके भगवान ने कहा कि युद्ध करो, हतो वा प्राप्सी सर्वगम जितवा वा भोक्ष से महिम, लड़ते लड़ते अगर तुम मरे तो तुम स्वर्ग पाओगे और अगर जी गए तो वापस तुम्हें राजपाट मिल जाएगा, दोनों ही तरीके से ये अच्छा ही होने वाला है अर्जुन। हमने उस पर लंबी चर्चा की है, तस्माद उत्तिष्ठ कौनते ही है, इसलिए हे कुंती पुत्र उठ जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध करो, भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा। युद्ध करते समय भगवान ने एक चीज और बताई, ये क्वालिटी हमको बहुत डेवलप करनी पड़ेगी अपने जीवन में। युद्ध के सिचुएशंस बहुत आते हैं बट आपके मन की स्थिति क्या है उस युद्ध में, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस से आती है, ये इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस। कई बार हमें लगता है हम सही के लिए युद्ध कर रहे हैं लेकिन हमारे मन की स्थिति अंदर में क्या है वो जाननी बहुत जरूरी है। तो मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवावाप्स्यसि। भगवान ने युद्ध नहीं करने के लिए नहीं कहा चुपचाप पीछे रिटालिएट हो जाओ, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। भगवान कह रहे मन को अपने चेंज कर, बहुत लॉजिक लगा रहे हो अर्जुन तुम तो, और वो लॉजिक भी इसलिए कि मेरा क्या होगा उनका क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है, युद्ध करना है तुम्हें क्योंकि तुमने राइट चीज के लिए तुम खड़े हो, तुम धर्म की तरफ से खड़े हो, तुम धर्म के लिए खड़े हो, तुम्हारा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें सबको प्रोटेक्ट करना है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इसका युद्ध करना होगा। लेकिन मन की स्थिति अपनी जो है उसको हलचल, उसमें हलचल मत आने दो, अगर मन हलचल वाला रहेगा तो तुम युद्ध नहीं कर पाओगे। हम युद्ध में घुस जाते हैं कई बार, बहुत सोचना पड़ता है जब भी किसी आर्ग्यूमेंट में डिबेट में किसी सिचुएशन में जाए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिट्रैक्ट करना करो, हो सकता है आप गलत चीज के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन माइंड की स्थिति को अपने एकदम स्थिर करो। आपको नहीं पता कि सही क्या गलत क्या, तो हर पक्ष को जब कोई भी युद्ध होता है ना, दो जन जब आर्ग्यूमेंट में जाते हैं डिबेट में जाते हैं या किसी भी चीज में जब कहीं युद्ध होता है, दोनों पक्ष को लगता है दोनों सही है,
हम जो भगवान जो बता रहे हैं, दुर्योधन को लग रहा है वो कौरव को लग रहा है कौरव सही है, लेकिन कौरवों का जो युद्ध है वो पर्सनल गेन के लिए युद्ध है, दूसरों के लिए युद्ध नहीं कर रहे वो। अर्जुन को, अर्जुन का पर्सनल गेन नहीं था, उनको इस युद्ध की सिचुएशन में घसीटा गया, क्योंकि पर्सनल गेन इनको होता, सिचुएशन समझना, तो ये तो बड़े शक्तिशाली है, बहुत बचपन से लड़ सकते थे। पूरी महाभारत में देखो जगह जगह पे इनके साथ अन्याय हुआ है, ये लोग इतने अच्छे हैं, युद्ध में भी आकर के अर्जुन बोलता है कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ, दया इतनी ज्यादा है छोड़ देता हूँ, और भगवान बोलते नहीं अब नहीं छोड़ना तुझे, बहुत छोड़ा तुमने, पिछले बहुत बार छोड़ा तुमने, अब लड़ो, क्योंकि अब छोड़ दोगे तो अन्याय का ये सिलसिला चलता ही रहेगा, तुम अपने लिए मत लड़ रहे, नहीं लड़ रहे हो, बहुत लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए लड़ रहे। तो ये हमको बार बार युद्ध में जब हम चलते हैं, युद्ध यानी कि हमारे पर्सनल लाइफ में तो युद्ध ऐसे कुछ होते नहीं है, फिर भी आर्ग्यूमेंट्स होते, डिबेट्स होते, वी हैव टू नो व्हाट स्टैंड, क्या स्टैंड हम ले रहे हैं, उस स्टैंड में हमारे अपने लिए ले रहे हैं कि दूसरों के लिए ले रहे हैं। दूसरों के लिए जब स्टैंड लेकर के हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब लड़ते हैं तो भगवान वहां खड़े हो जाते हैं। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी युद्ध में, अर्जुन का इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो युद्ध छोड़ करके सब राजपाट हारने को तैयार है, लेकिन भगवान को लग गया कि नहीं अब नहीं, बहुत हार चुकी हो तुम, अब नहीं, इतने बलशाली हो, तुम्हें कोई घमंड नहीं है मैं जान रहा हूं, अब नहीं। तो उसमें जो मन की जो स्थिति जो डेवलप कराने की जो भगवान ने बात करी है, सुख दुखे समय कृत्वा, ये मंत्र आप याद कर लीजिए, माइंड को कैसा रखना है, हमेशा सुख दुख समय कृत्वा। युद्ध में आप लग गए युद्ध में, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया निश्चय पूर्वक कि मेरे इस स्टैंड को लेने से बहुतों का फायदा हो सकता है, कुछ की हानि होगी, युद्ध में हानि होती है बहुतों का, लेकिन फायदा हो सकता है, तो उस स्टैंड पे आप स्ट्रांग रहिए, और उसके एंड रिजल्ट में हार हो जाए जीत हो उसके, उससे आपको लेना देना नहीं है, आपको लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है, भूल जाना उससे, जो होगा एंड में वो जो प्रभु ने डिसाइड किया वही होगा, उसको एक्सेप्ट करना है और बाद में सरेंडर कर देना है। और जय जय भी किसे, मतलब विक्ट्री होती है या हार हो जाती है, हार जीत से आपको कुछ नहीं डिस्टर्ब होना। तो ये आप डेवलप कर लीजिए हर चैप्टर, और चैप्टर 12 में तो बहुत भगवान इसको डिटेल में और समझाते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये साधनात्मक जीवन जिसको जीना है, स्पिरिचुअल लाइफ जिसको जीना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्स है, मैं ये बुद्धि आनी चाहिए। बार बार भगवान बुद्धि योग की बात करते हैं चैप्टर 2 में, बुद्धि योग का ना, बुद्धि योग शब्द से आपको अर्थ समझ में आया है, यो हमेशा जब भी मैं बुद्धि योग कहीं भी आप सुने, आज के बाद सांख्य योग सुने, हठ योग सुने, कर्म योग सुने, जो भी सुने, आपको अर्थ उस शब्द से समझ में आ जाना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाए। तो योग का अर्थ आप बिल्कुल समझ लेना, जोड़ना, भगवान से जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, ज्ञान को ब्रह्म से जोड़ना, जोड़ना भगवान से जुड़ना, उसको हम योग कहते हैं। बुद्धि को भगवान में जोड़ दिया तो वो बुद्धि योग हो जाएगी। बुद्धि को भगवान में जोड़ना यानी क्या होता है, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको, बुद्धि को वैसा ट्रेन करना। तो बुद्धि को पहले ट्रेन करना क्या, चैप्टर 2 के हिसाब से, मैं एक आत्मा हूं, मैं कभी मरने वाली नहीं हूं, मैं हमेशा रहने वाली हूं। सेकेंड ट्रेनिंग क्या करना है, जीवन तो जीना है, जीवन में रोज नई नई लड़ाइयां आने वाली हैं, तो लड़ाई तो करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने बोला है। लेकिन बुद्धि को कैसा ट्रेन करना है, वो भगवान ने क्या कहा, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, बुद्धि को ऐसे ट्रेन करना है। आगे भगवान ने कहा था कि व्यवसात्मिका बुद्धि, एक और शब्द, आप मैं ये सब बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो है बेस है स्पिरिचुअल लाइन के, यही बेस है। भगवान ने व्यवसात्मिका बुद्धि करने के लिए कही थी,
व्यवसात्मिका बुद्धिर एके हे व्यवसात्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना बहुशाखायनंतश्च बुद्धियो व्यवसायिनां। अपनी बुद्धि को व्यवसात्मिका बुद्धि करो। चैप्टर टू के जिस्ट समझ जाना, युद्ध आपको करना ही है, युद्ध आपको करना है, नहीं डेली के जो आपकी लड़ाई है वो लड़ना ही है। बुद्धि को सम रख करके लड़ना है और व्यवसात्मिका बुद्धि रखनी है। व्यवसात्मिका बुद्धि क्या होती है? रेजिल्यूट बुद्धि, बुद्धि यहां वहां नहीं भटकती, ऊपर नीचे 10 बार नहीं जाती। स्ट्रांग आदमी का वो एक नेचर होता है, जो लीडर बनते हैं उनमें ये स्वभाव आता है, बुद्धि यहां नहीं जाएगी, बुद्धि भगवान के साथ जुड़ी रहेगी और आप अपने कर्म को करते रहेंगे। सो कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि जो भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जो भगवान के साथ जुड़े रहने का अर्थ क्या है? भगवान के साथ जुड़े रहने का अर्थ है कि भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। भगवान ने इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिए हैं? भगवद गीता। तो अब भगवान की कृपा से भगवद गीता हाथ में आ गई है, भगवद गीता की टीचिंग समझ में आने लगे हैं, तो व्यवसात्मिका बुद्धि करना यानी जो जो भगवान ने बोला है अपने जीवन में उतार लेना है। ये स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, ये स्ट्रांग संकल्प, ये दृढ़ संकल्प जीवन में लेना है। तो व्यवसात्मिका बुद्धि गुरु गुरु नंदना, एक है गुरु नंदना। ठीक, आगे भगवान ने बहुत कुछ वेद वगैरह की बातें करी और उसमें एक जगह और कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि सारे अपने कर्म को योगस्थ, यहां से कर्मयोग शुरू होता है एक्चुअली, सारे अपने कर्म को योगस्थ कुरु, योगस्थ कुरु यानी योग में भगवान के साथ जोड़ दो, बुद्धि योग के द्वारा जोड़ दो। और क्या करो? संगम त्यक्त्वा धनंजय, त्याग कर दो, संगम अटैचमेंट। इनको जब अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं, सामने उनके गुरुजी हैं, भीष्म पितामह हैं, तो इनको अटैचमेंट है उनसे, इसीलिए वो लड़ नहीं पा रहे, इसीलिए वो इतने दलीलें इतने आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे अटैचमेंट छोड़, तू गोल क्या है तेरा, उसके लिए लड़ रहा है ना तू। द्रौपदी के साथ ऐसा अन्याय हुआ था, तुम्हारी माता के साथ अन्याय हुआ, तुम्हारे भाइयों के साथ अन्याय हुआ, द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, क्या वैसा अन्याय तुम आगे जाके और औरतों के साथ होते हुए देखना चाहोगे? इनडायरेक्टली हिंट है ये। तो गोल अपना मत भूलो, धर्म के लिए लड़ रहे हो, तो इसलिए उन कर्मों को भगवान के साथ, साक्षात धर्म भगवान है, भगवान के साथ जोड़ते हुए उन कर्मों को तुम करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, अटैचमेंट को छोड़ दो, संगम त्यक्त्वा धनंजय। अटैचमेंट तुम्हें किससे है? तुम्हें लग रहा है वो बॉडी निकल जाएगी, भीष्म पितामह की बॉडी खत्म हो जाएगी तो भीष्म पितामह चले गए, गुरु द्रोणाचार्य की बॉडी खत्म हो गई तो वो चले गए। अरे अर्जुन, कोई कहीं नहीं जाता, सब वैसे के वैसे रहने वाले हैं। हाँ, धर्म से लड़ाई करना ये हमारा कर्म है, धर्मयुक्त जीवन जीना ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। ठीक, तो जब ये करना है फिर उसमें एक ही बात उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, ये कर्मियों की शुरुआत है, ये बीज है। चैप्टर 3 में पहुंचे, बीज यहां पर है। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, यदि तुम्हें सिद्धि मिलती है या असिद्धि मिलती है, एंड रिजल्ट अच्छा होता है या नहीं होता है, कोई बात नहीं है, समो भूत्वा, बुद्धि को अपने सम रखो। ऐसा जब तुम सम बुद्धि होकर के जब अपने कर्मों को योग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान से जोड़ देते हो तो उसको क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्चते, उसको योग कहते हैं। ये एक लाइन में भगवान ने यहाँ पर बोला है, अब इसी को भगवान तीसरे चैप्टर में जाकर के, अब जो हमने शुरू किया उसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बुद्धि युक्त, बहुत सारी बातें तो भगवान ने कही थी लेकिन हम लोग एक दो श्लोक जो
चैप्टर टू का रिवीजन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस है, ये बीज है, इसको डेवलप करना। अर्जुन ने एक शब्द बोला था, एक क्वेश्चन का किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव स्थित दीहि किम प्रभाषित किम आसित व्रजित किम। स्थित प्रज्ञ ये शब्द था, प्रज्ञा ये शब्द है, प्रज्ञा क्या होता है इसको आप डेवलप करेंगे इस वर्ड को, तो प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान इज इक्वल टू प्रज्ञा। हम प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, ये हम रीड कर रहे हैं, लोग गीता पढ़ते हैं और गीता को बाहर करते हैं, हमारे एक परंपरा चल पड़ी है गीता रिसाइटेशन कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन करवाते हैं। चलो बच्चों को सिखाने के लिए कंपटीशन करवाया, समझ में आया हमें, मुझे कोई बात नहीं, बच्चे इसी प्रकार से सीखते हैं। इन कंपटीशन के बाद मैंने देखा है पेरेंट्स के अंदर एक अलग कंपटीशन आ जाती है, मेहनत करवाते हैं बच्चों से, गीता सिखवाते हैं, फिर बाद में कंपटीशन होता है, फिर अगर उनका बच्चे को फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तब जाके दूसरे से चुगली करना शुरू कर देते। साल भर गीता पढ़ रहे हैं, गीता कंपटीशन करवा रहे हैं, अगर अवार्ड नहीं मिला तुम्हारे बच्चे को तो फिर अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो, अरे तुमने क्या गीता पढ़ी, गीता में तो साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, हार या जीत इसमें मन को कैसा रहना चाहिए, सम होना चाहिए। बच्चे को कंपटीशन सिखाया, तुम क्यों कॉम्पिटिटिव हो गए, बच्चे का तो गोल था श्लोक लर्न करना, तुम्हारा गोल क्या हो गया, सोचिए। प्रैक्टिकली गीता को अपने जीवन में अप्लाई करना होता है। स्थित प्रज्ञा का अर्थ यही है, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, हर हाल में प्रैक्टिकल नॉलेज। जो अपने जीवन में गीता के ज्ञान को उतार लेता है उसके मन की स्थिति कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी, वो बहुत एम्बिशियस होगा लेकिन उसका एम्बिशन भगवान की तरफ होगा, उसका एम्बिशन ये होगा बहुतों को वो भगवान से जोड़ दे, प्रेम बांटने का उसका एम्बिशन होगा क्योंकि वो प्रेम से लबालब भरा होता है, वो भगवान के ज्ञान से भरा होता है, तो उसका इच्छा थी अरे सबको दे दो ज्ञान, सब लोग मुक्त हो जाए, ज्ञान मुक्ति की बात की है भगवान ने, यहां कॉम्पिटिशन नहीं होता उसके मन में, हार जीत की उसको चिंता नहीं होती है, ज्ञान दिया किसी ने अपनाया ठीक, नहीं अपनाया ठीक। तो ये तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हो गया गीता का वो कैसा रहता है, तो उसके मन की बुद्धि ऐसी रहती है, सिद्धि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, वो सिद्धि और असिद्धि को नहीं देखता, सम रहता है, जो सम रहता है वही समाधि एक्सपीरियंस करता है। शब्दों को पकड़िए, बार बार कहती हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे देख लीजिए, मैंने मेरे फादर से सीखी, मेरे हस्बैंड से देखिए, दोनों शब्द को बच कर समाधि, बार बार समाधि कहते हैं ना हम लोग, समाधि में जाना है, समाधि में जाना है, समाधि में जाना है, भगवान प्रैक्टिकल समाधि की बात करते हैं। जब सम बुद्धि होती है, भगवान के साथ जब जुड़ी रहती है, जब इसमें ऊपर नीचे कुछ उथल पुथल नहीं होता है, कर्म कर रहा है, मस्ती में कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, भगवान के सारे अंश हैं जीव उनके लिए कर्म कर रहा है, तो वो प्रैक्टिकली समाधि में होता है, सम से सम बुद्धि से समाधि। समाधि में होता क्या है, हम लोग जो 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 समाधि लोग समझते हैं, समाधि समाधि कि ध्यान करना है, ध्यान करते 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 बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाती है सारे थॉट्स रुक जाते हैं, थोड़ी देर के बाद सांस भी बहुत कम और बॉडी तो बिल्कुल, मतलब आपको बॉडी का तो देह का तो ध्यान मतलब है ही नहीं, देह ऐसा लगता है कि है ही नहीं कुछ, तो उसको समाधि का वर्ड दिया गया, टेक्निकली समाधि उसको कहते हैं, प्रैक्टिकली
वो जो समाधि की स्थिति आप ध्यान में एक्सपीरियंस करते हैं उसको अपने जीवन में हर क्षण में एक्सपीरियंस करना है। वो वहां कैसे एक्सपीरियंस करी, भगवान शांति का रूप है तो आपने शांति एक्सपीरियंस करी, लेकिन फिर जब आप संसार में आए और फिर अशांत हो गए, खुद भी अशांत हो गए, दूसरों को भी अशांत करते चले गए, तो समाधि आपकी टूट गई। समाधि टूट गई मतलब भगवान से बुद्धि का जो कनेक्शन था और हार्ट का जो कनेक्शन था कट ऑफ हो गया। भगवान क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। लड़ते समय पर भी भगवान को नहीं भूलना है, जीते जी भी भगवान को नहीं भूलना है, किचन में काम कर रहे हैं भगवान को नहीं भूलना है, घूम रहे फिर रहे भगवान को नहीं भूलना है, आंख बंद की भगवान का याद आ जाए, हंसते फूलते भगवान की याद आ जाए, उसको कहते हैं समाधि स्थित प्रज्ञ। हर हाल में युद्ध करने जा रहा है और भगवान उसको स्थित प्रज्ञ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्थितधी मतलब इसकी बुद्धि स्थिर है, बस आत्मिका बुद्धि ही स्थिति दी है कि अब भगवान से बुद्धि हटी नहीं। वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, अरे उसके तो हर बात में केवल भगवान की बात निकलेगी। चलते फिरते उठते खाते पीते ईटिंग वेकिंग स्लीपिंग डूइंग वॉट एवर, भगवान का नाम उसके मुख में चलता ही रहेगा। ठीक, तो उसको कहते हैं समाधि वाली अवस्था, प्रैक्टिकल समाधि स्थित प्रज्ञ। ये सब भगवान ने एक्सप्लेन किया था। और भगवान ने जब एक और अच्छी बात कही थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बात कही थी भगवान, तो हर बात भगवान की बड़ी अच्छी रहती है। भगवान ने क्रोध से हटने के लिए कहा था, ठीक है वो सब आप लोगों को याद होगा। उसके बाद भगवान ने एक और वर्ड कहा था, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चैप्टर टू का, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जो सबके लिए रात्रि है उस समय पे संयम व्यक्ति जागा हुआ रहता है, संयमी व्यक्ति, संयमी जो भक्त होता है वो जागा हुआ रहता है। कहने हमारे एक तो इसको प्रैक्टिकली जो होता था, मेरे फादर जब समझाते थे तो बोलते थे रात का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और मेरे फादर ने एक ट्रेनिंग दी थी हमको 11:30 से 12:30 बजे रात। देखो उनकी तांत्रिक साधनाएं होती थी तो तंत्र में रात्रि का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों को रात्रि साधना की ट्रेनिंग बहुत दी गई थी। तो 11:30 से 12:30 रात का, उसको विजय मुहूर्त कहते हैं, मुझे तो सोना नहीं उस समय पर। कभी लेटे भी हो, अगर लेटना पड़ा, कमर में दर्द है, कुछ भी लेटे भी हो ना, तो भी 12:30 तक तो आपका ध्यान हटना ही नहीं चाहिए, 11:30 से 12:30। और मेरे फादर ने जीवन पर्यंत इस चीज को, सब जगह रहेंगे, सब होता रहेगा, सबको मिलेंगे, इतने लोगों को मिलेंगे, लेकिन रात को 11:30 बजे घर में रहते थे। मैंने तो देखा उनको, अच्छा मैं जा रहा हूँ साधना में, 11:30 से 12:30 रात को साधना करनी ही है, विजय मुहूर्त कहते थे उसको। और सेम वे दोपहर के टाइम पे 11:30 से 12:30। और भी संतों को मैंने देखा है, व्रज के संतों को देखा है, रात को 1:30 बजे उठ जाएंगे। रूपात की जीवनी पड़ी थी, रात को 1:30 बजे उठ जाएंगे, जो हम लोग सोते हैं वो लोग 1:30 बजे उठ जाते थे। हमको ये ट्रेनिंग दी गई, हालांकि जीवन हमारा व्यस्त है गृहस्थ में होते हुए, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक दिन या सॉरी एक रात जागनी है और भगवान में लगाना है। नवरात्रि, शिवरात्रि, रात के समय वो बड़ा पावरफुल समय होता है, क्योंकि पूरी सृष्टि उस समय सोई हुई रहती है, आवाज कहीं होती नहीं है और आपका ध्यान बड़े आसानी से लग जाएगा। तो एक तो प्रैक्टिकली इसको ये, इसका अर्थ ये है कि रात का समय जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट समय होता है, जो भी टाइम आपको ठीक लगे 11:30 से 12:30 या अर्ली मॉर्निंग भी, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह अभी तक हुई नहीं है, अभी होने वाली है 3:30 4:30 के आसपास, वो भी समय बहुत अच्छा है। तो उसमें संयमी लोग उठते हैं और अपनी साधना करते हैं, अपनी जप करते हैं। दूसरा, संसार के लोग इग्नोरेंटली जी रहे हैं। जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, तब हम अंधकार में होते हैं। अंधकार का दूसरा अर्थ, रात्रि का दूसरा अर्थ अज्ञानता। संयमी व्यक्ति वो ज्ञान में रहता है,
उसके लिए रात्रि नहीं है, वो हमेशा जागा हुआ रहता है, ऑलवेज अवेकेंड। तो हमें कोशिश यही करनी है, अज्ञान में थे, अब भगवान की कृपा हो गई, गीता का ज्ञान मिलने लगा है, तो अब कोशिश करके जो भगवान ने रास्ते बताए हैं, आज मैंने आपको एक टीचिंग शेयर करी, एक्सेप्ट वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बस, एंड रिजेक्ट जो अनफेवरेबल है, बस ऐसे हमको अपना जीवन जीना है। ठीक, तो आप स्थित प्रज्ञ होंगे और आप हमेशा समाधि में रहेंगे प्रैक्टिकली। चलिए आगे, भगवान ने कहा था 71 श्लोक चैप्टर 2 का, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिहा निर्ममो निरहंकारा स शांति मदिगच्छति। भगवान ने और एक टीचिंग दी थी जो हमको जीवन में अप्लाई करनी चाहिए, क्या, विहाय कामान, अननेसेसरी डिजायर्स, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में, अननेसेसरी डिजायर्स को डेवलप नहीं करें, कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, एक आदत बन जाती है हमारी, जो बिना इंट्रोस्पेक्शन के हम अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं, तो हम देख नहीं रहे, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते तो समझ जाते ये अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना। तो विहाय कामान, हाँ? और भगवान कहते हैं कि ऐसा जो कोई होता है निष्प्रिया, ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसने अपने कामनाओं को छोड़ दिया है और जो निष्प्रिय होकर के जीता है, यानी डिजायरलेस, और जो निर्ममो, निर्मम होकर के, निर्मम मतलब मैं और मेरा, ये नहीं है, ये सब मेरा नहीं है, ये सब किसका है, भगवान का है। हमें किस किस चीज की हमें घमंड होती है संसार में, आप देखे छोटी छोटी सी बातों की घमंड हो जाती है हमें, घर का घमंड, गाड़ी का घमंड, है ना, शौक करते हैं ना लोग संसार में घूमने फिरना, कुछ नहीं तो हम कितने ज्ञानी हैं, इसका ही शौक होता है। ये दूसरों में है, ऐसा हमें लगता है कि दूसरों में है, लेकिन गीता से, गीता जब पढ़ते हैं तो किसमें देखना होता है ये सब कुछ, स्वयं में देखना, स्वयं में देखना, क्या अभिमान है किसी चीज का हमें, अगर है सिंसियरली उसको अंदर में एक्सेप्ट करना होता है और उसके प्रति काम करना होता है। डिजायर्स, दूसरों को हम कमेंट ना करें, अपने अंदर देखें, मेरे अंदर है, अगर है दो तरीके, एक तो उसको पूरा कर लो और फिर बोल दो मन को होगी पूरी, अब नहीं। आप मन को डांटेंगे तो मन आपका सुनेगा, मैं कहती हूं आप ही ने मन को जो बनाया चंचल, आप ही इस मन की चंचलता को रोक सकते हैं आप, मन आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु, उसको शत्रु बनाने वाले भी आप हैं, मित्र बनाने वाले भी आप ही। आपको मन को रोकना आना चाहिए, मन के साथ दोस्ती करो और उसको जब रोकना हो उसको रोक दो। डिजायरलेस हो जाना, ये शब्द जब कहते हैं ना कई बार ऐसे ऐसे से होता है, डिजायरलेस सफोकेटिंग होता है, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो इतनी डिजायर होती है, हम संसार में रहते हैं ना, इतनी डिजायर होते हैं, अरे बाप रे, और कोई बोलते डिजायरलेस हो जाओ, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो ट्रेनिंग ही दी है बचपन से कि भगवान के पास जाओ और मांगते रहो, ये ट्रेनिंग दी है, गणेश जी की पूजा करो ये मिलेगा, सरस्वती की पूजा करो बुद्धि मिलेगी, लक्ष्मी की पूजा करो धन मिलेगा, कुबेर जी की पूजा करो धन तिजोरी खुल जाएगी, सारे व्रत अनुष्ठान इसीलिए सिखाए गए हैं कि ये करने से ये फायदा हुआ था, एवरीथिंग जो किया वो केवल डिजायर के लिए किया, और भगवान क्या कह रहे, निष्प्रिय हो जाओ, डिजायरलेस, बड़ा कठिन है करना, लेकिन भगवान उसका सोल्यूशन भी देते हैं चैप्टर 3 में, निरहंकार हो जाओ, अहंकार मत करो। जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है क्या क्या क्वालिटी डेवलप करनी है, याद करो 71st श्लोक चैप्टर 2 का, विहाय कामान, अपने सारे डिजायर का त्याग, कामनाओं का त्याग, निष्प्रिय, अगेन डिजायरलेस, निर्ममो, मैं मेरा इस फीलिंग से दूर, निरअहंकार,
जब मैं मेरा निकल जाएगा ना तो अहंकार भी निकल जाएगा। तो निरअहंकार, जब ये व्यक्ति के अंदर ये गुण डेवलप होंगे तो क्या होगा, स शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। हाँ, तो सबसे पहला चीज इसमें क्या है, डिजायर। अगर डिजायर ही नहीं करोगे आप तो दूसरा तो हो गया ना, निष्प्रिय तो अपने आप हो गए, फिर डिजायरलेस तो अपने आप ही हो गए। हाँ, और निष्प्रिय हो गए, डिजायरलेस हो गए, कोई चीज हमारी है ही नहीं, फिर तो निर्मम भी हो गए। अब हमारी है ही नहीं तो अहंकार किस बात का, निरहंकार भी हो गए। अब ये सब कुछ गुण है ही नहीं तो शांति शांति। ठीक, आगे भगवान ने बोला, जब किसी के अंदर ऐसी क्वालिटीज आती है, कौन कौन सी, वो विहाय कामन, विहाय कामन, निष्प्रियता, निर्मम, निरहंकार, ये क्वालिटीज जब आती है तो वो व्यक्ति कहां पहुंचता है, जब शांति आ जाती है उसके अंदर, पूर्ण शांति, मन इधर उधर भटकता नहीं। अब तो एशा स्थिति ब्राह्मी स्थिति 72 में कहा था, एशा ब्राह्मी स्थिति, नैना प्राप्य विमोहिति। एक बार किसी के अंदर ऐसी स्थिति आने लग जाए तो फिर वो विमोहित नहीं होगा, संसार के आकर्षण से वो विमोहित नहीं होता। और फिर क्या होता है, जब वो विमोहित नहीं होता, ऐसी ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो क्या होता है, स्थिति वास्यम अंतकाले अपि, ऐसी स्थिति में यदि वो आ जाए और फिर अगर उसका अंतकाल हो जाए तो क्या होगा, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, उसको तुरंत का तुरंत ब्रह्म निर्वाण ये मिल जाता है, ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति मिल जाती है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है, उसको निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मी स्थिति क्या होती है, मटेरियल वर्ल्ड में हमारा मन जो फंसा हुआ है इससे हट जाए, हट करके हमेशा उस परब्रह्म में जुड़ा रहे। यहां पर भगवान ने ब्राह्मी स्थिति नाम दी, नाम लिया है, हाँ वहां पर एंड किया था, लेट अस यूज द वर्ड ब्राह्मी स्थिति, उस परब्रह्म में जुड़ जाए। बट जब भी मैं ब्राह्मी स्थिति बोलूं, आपके माइंड को ट्रेन करना, भगवान को तीन शब्दों में हमेशा कहा जाता है, ब्रह्म, सेकंड परमात्मा, तीसरा भगवान। पहला जो रियलाइजेशन होगा वो ये ब्राह्मी स्थिति की होती है, ज्ञानियों की रियलाइजेशन ब्राह्मी स्थिति की होती है, ब्रह्म निर्वाण पद उसी को कहते हैं। जब मन संसार के ऊपर उठ गया, जब उसका हमने अर्थ पढ़ा था तो भगवद गीता में इसको और एक्सप्लेन करते ब्राह्मी स्थिति को, फर्स्ट प्लेटफॉर्म कि मटेरियल डिजायर से आपका मन ऊपर उठ गया, अब मन मटेरियल डिजायर्स में है नहीं, निष्प्रिय, विहाय कामान, निर्ममो, निरहंकार, ये स्थिति आपकी हो गई है, तो आप ब्राह्मी स्थिति में आ गए, आप निर्वाण में आ गए। इसके बियॉन्ड की भी स्थितियां हैं जो अब आगे भगवान चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम लोग कर्मयोग पर चलते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान क्या कर्म करवाना चाहते हैं, एक तरफ तो बोलते युद्ध करो, दूसरा कह रहे कि ब्राह्मी स्थिति में आ जा, सिद्ध प्रज्ञ हो जा, व्यवस्थात्मिका बुद्धि रख, इतनी मुझे लेक्चर दे दिया आपने, और ये सब इतना अच्छा लेक्चर देने के बाद आप बोलते युद्ध कर। सोचो, ज्ञान की इतनी अच्छी बात हो रही है और भगवान बोलते अब जाकर के तुमको मारना है, युद्ध भी कैसा होने वाला है, मतलब भयंकर युद्ध होने वाला है, गला काटना है, सोचना नहीं है कि कौन मेरे सामने आ रहा है, सब हर एक व्यक्ति उस समय पर शत्रु है और उसको काट देना है, कैसा भयंकर युद्ध करने जा रहा है अर्जुन। हम लोग गीता सुनते हैं तो मन को शांति मिल रही है, अब सोचो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन को फिर बोलते हैं अब जा युद्ध कर, कितना कठिन है, हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं युद्ध उसके हिसाब से। तो चलिए अब भगवान, तो फिर अर्जुन पूछता है, भगवान आप निश्चित होकर के एक चीज बताइए, बहुत आपने घुमा फिरा के बात की,
भगवान क्या आते थे घुमा फिरा की बात करने की, आप बोलना क्या चाहते हैं, मैं युद्ध करूं या जो आप बुद्धि योग की सिद्ध प्रज्ञ की निष्प्रिया ये जो ट्रेनिंग बोल रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये करूं, मतलब अभी भी ये अर्जुन, अर्जुन को सब पता है लेकिन वो हमारे लिए बोल रहा है, ये हमारे अंदर आता है ना ये भाव, गीता पढ़ते तो लगता रे अभी सब छोड़ो, सारे कर्म छोड़ो, सारे नाते रिश्ते को छोड़ो, और छोड़ करके हम अब चले अभी अपने रास्ते, बस अब केवल भगवान का नाम लेंगे, ऐसी इच्छा आती है हमारे अंदर, सबके अंदर आती है। तो हम जैसे लोगों के लिए, अधपके इमेच्योर लोगों के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है कि दिन की ये जो दिनचर्या की दिन भर की लड़ाई करनी है या सच्ची में भगवान का नाम लेना है, इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है भगवान हमेशा, तो आप कृपा करके वो बताइए कि हमें क्या करना है। तो नीता दाई तीसरा वाला पढ़िए, हाँ। और चौथा पांचवा छठवा रुको सॉरी पांचवा का पूरा अर्थ पढ़िए, नहीं पांचवा का पूरा अर्थ पढ़िए बस, ठीक है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्म नाम नाराभ्यान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णते न च सन्नसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते रवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वेथ पते तत्तो यदि यत्र क्व वाभद्रम भूद मुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र नुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित का सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः एव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा कर्म करूं या बुद्धि योग करूं, मतलब लड़ाई करूं या बुद्धि योग करूं, क्योंकि वो दोनों को दो अलग चीज मान रहा है। तो भगवान कहते हैं
लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान कहते देखो इस संसार में इस पूरे इस लोक में दो तरह के थॉट्स विचारधाराएं चलती है हमारे संसार में उस समय के टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। ये हमेशा से ही थी, वेद में भी ऐसे ही है, सब जगह ऐसे ही था। तो भगवान ने उन दोनों को पॉइंट किया है, भगवान ने किसी एक को पकड़ा नहीं है अभी। हाँ, अभी यहां से शुरू करते हैं। दो प्रकार का धारणा है इस संसार में, क्या धारणा है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य योगी होते हैं वो ज्ञान के द्वारा उस चीज की प्राप्ति करते हैं, और दूसरे होते हैं कर्म योगेन योगिनाम, कर्म योग से कुछ लोग उसको पाना चाहते हैं। इसका क्या प्रश्न था अर्जुन का कि मैं कर्म करूं या मैं बुद्धि लगाऊं, बुद्धि योग जो आप कह रहे हैं, मैं इन दोनों में क्या चूज करूं? तो भगवान ने वहीं से शुरू किया। बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन, सही बोल रहे हो अर्जुन, क्योंकि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं मैं ज्ञान मार्ग से चलूं कि मैं कर्म मार्ग से चलूं। हमारे अपने अंदर भी क्वेश्चन आते नहीं बार बार, वो तो भक्ति योगी है, वो तो ज्ञान योगी है। तो भगवान ने वैसे शुरू किया कि देखो दो ही प्रकार की विचारधारा यहाँ पर पॉपुलर है, क्या? ज्ञान योगे न सांख्याना, जो सांख्य योगी होता है वो ज्ञान के द्वारा उस कंक्लूजन पे आना चाहता है कि सही क्या है, सत्यम परम धीमहि, ज्ञान के द्वारा उस सत्य को वो पाना चाहता है, समझना चाहता है, समझने का रास्ता अपनाता है। एक दूसरा कर्म योगे न योगिना, दूसरे लोग कर्मों के द्वारा उससे जुड़ना चाहते हैं, योगी नाम। यहां पर दो वर्ड यूज किया, सांख्या नाम और योगी नाम। सांख्य यानी जो एनालाइज करते हैं शरीर को, मन को, बुद्धि को, प्रकृति को एनालाइज करते 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 उस एनालिसिस पे जब मेडिटेट करते हैं, और भी जब हम चैप्टर 6 तक जाएंगे ना पूरा खुल जाएगा ये संख्या नाम के ऊपर। और योगी जो होते हैं कर्म योगी ना, वो क्या देखते हैं योगी? वो अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास देखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरे अंदर जो परमात्मा है दूसरे के अंदर वही परमात्मा है, तो मैं इनकी सेवा करूं, और सेवा में जीवन वो जीते हैं और अपने आप में शांति में रहते हैं। तो ज्ञान योगे ना सांख्य नाम, सांख्य जो होते हैं वो एनालाइज करना शुरू कर देंगे सब चीज को, मैं क्या हूं, ये शरीर किस चीज का बना है, परमानेंस क्या है, इम्परमानेंस क्या है, ब्रह्म क्या है, जो मैं हूं वही दूसरे के अंदर भी है, ऐसे। तो वो सांख्य योगी होते हैं। चैप्टर 6 से शुरू होगा, चैप्टर 8 में, चैप्टर 13 में हम लोग उन तत्वों पर भी, उन एलिमेंट्स पर भी जाएंगे। भगवान जब कर रहे हैं ना ये सब, फर्स्ट 6 चैप्टर जो है समझ लीजिए भूमिका है आपकी, और उसको और भगवान डिटेल में एक्सप्लेन करते जाते हैं 8 में, 13 में, तो एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ जाएगी। 13 चैप्टर पहुंचते पहुंचते सब क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए आप इतना समझिए सांख्य योगी जो होते हैं वो एनालिटिकली सब कुछ देखते हैं। और योगी जो यहाँ पर लिया गया, जब भी हम योगी वर्ड यूज करें तो योगी जो होते हैं वो अपने अंदर परमात्मा को देखते हैं, ज्ञानी जो होते हैं वो सब में ब्रह्म का निवास देखते हैं। इम्पर्सनल फीचर जिसको हम कहते हैं इम्पर्सनल, योगी पर्सनलाइज होता है, अपने हृदय में परमात्मा को देखता है, परमात्मा भी उसका निराकार होता है, लाइट के रूप में देखता है, वो योगी होता है। और एक होता है भक्त। ये तीन टर्म्स, ये तीन ग्लॉसरी वोकैबुलरी जो भी आप ये समझ जाएंगे ना बहुत आसान हो जाएगा। क्या? ब्रह्म किसका गोल होता है? ज्ञानी का गोल होता है, ज्ञान एनालाइज करते 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 उस ब्रह्म तत्व को पहुंचता है। योगी हृदय के अंदर परमात्मा को समझता है, दैट स्पार्क, कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा होने से ये शरीर चल रहा है, शरीर के अंदर वो आत्मा है, वो आत्मा होने से सारी शरीर काम कर रहे हैं। तो वो योगी जो होता है वो अपने आत्मा के अंदर उसमें वो मेडिटेट करता है। और भक्त जो होता है, भक्त भगवान के साकार रूप में, राम कृष्ण नरसिंह वारा, भगवान ने अवतार लिए, भगवान ने लीलाएं की, भक्त जो होता है उस अवतारी के ऊपर, उस पर मेडिटेट करता है।
और उसको सारी दुनिया फिर वैसी लगती है, कृष्ण इज द सेंटर, सब कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ उसको लगता है। तो ये जो बार बार यहाँ पर वर्ड आता है कृष्ण भावना अमृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो इसीलिए आता है कि भक्त को सब कुछ कृष्ण में लगता है, उसके कृष्ण हैं, साकार रूप में हैं, साकार रूप में उन्होंने अवतार लिया था, जिसको ज्ञानी ब्रह्म रूप में देख रहा है, जिसको योगी परमात्मा रूप में हृदय में देख रहा है, उसको भक्त कृष्ण रूप में देखता है, मुरली बजाते हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए। इशु जी का एक प्रश्न आया है, कैन संबंध बी ऑल इन वेयरिंग रेशियोज इन द बिगिनिंग? यस, शुरू में जब रहते हैं तब ऐसे ही चलता है, लेकिन अंत तो गत्वा रियलाइजेशन जब होती है, फाइनल रियलाइजेशन जब होती है तो वो अलग होती है। ठीक, इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगी एज वी गो इन 6th and 8th and 13th, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बट बिगिनिंग में यस, तीनों के मिक्सचर चलते रहते हैं, शुद्ध भक्ति जब तक उदय नहीं होती तब तक ही तीनों स्टेजेस हमारे अंदर आते रहते हैं। अच्छा, तो भगवान ने ज्ञान योगी ना संख्या नाम, कर्म योगी ना योगी ना, आप लोग को ये वर्ड समझ गए है ना, फिर भी मैं रिपीट करती रहूंगी, जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक रिपीट करूंगी। अच्छा, आगे भगवान ने चौथे में कहा, न कर्मणा न कर्मणाम अनारंभम निष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासात् एव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान बड़ी बात कहते हैं, कर्मयोग, कर्मयोग यानी कर्म करते हुए भगवान के साथ जुड़ना। कई बार यही कर्म हमको लगता है हमको संसार के साथ जुड़ रहा है, तो हमारे मन में आ जाता है ना कर्म छोड़ दो, कर्म ही छोड़ देंगे तो फिर जुड़ेंगे कैसे। कई बार लगेगा संन्यास ले लो, भक्ति में जब लोग घुसते हैं तो ऐसा तीव्र वैराग उठता है बिगिनिंग में, सब छोड़ो, वृंदावन में कहीं जाकर के बैठेंगे, कहीं हिमालय में जाकर के बैठेंगे, कहीं गुफाओं में, मैंने सब किया। और अब एग्जाम, अपना एक्सपीरियंस इसलिए सुना रही हूं कि जानने के लिए कि होता क्या है, आप लोगों को समझ जाए। हिमालय में गई और मुझे तो बैठना था ऐसे, देखना था होता क्या है, अरे इतनी ठंडी इतनी ठंडी इतनी ठंडी, एक दो दिन तो लग जाता केवल ठंडी से फाइट करने में, तब लगता है अरे घर में तो बड़ी अच्छी मेडिटेशन हो रही थी। हाँ, तो ये जो जब हम सन्यासियों को देखते हैं ना तो वी गेट वेरी इंस्पायर्ड, हाँ हाँ चलो चलो वैसा सन्यास वाला जीवन जीना चाहिए, कहीं ऋषिकेश के पास जाकर के बैठेंगे, वेदर अच्छा है तो बड़ा अच्छा है ऋषिकेश, वेदर खराब है तो ऋषिकेश वही टफ हो जाएगा। वहां जो सन्यासी रहते हैं उन्होंने जीवन वैसे ही दिया तो उनके लिए वो चीज टफ नहीं है, वो तो बिना शर्ट के रह सकते हैं वहां पर बैठे। हम लोग ये बीच वाले हैं ना, हमारे हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जो भी सन्यासी जिस जमीन में चर्चा करती थी, कई बार मैं अपने दिल की बात कहती थी कि भगवान यमुना के पास गए थे तो एक मिले थे संत, तो उनसे भी बोला मैंने कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं आप और यमुनोत्री में आप जाओ ना ऊपर, तो वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ठंड के समय पर, तो ये जो सन्यासी जिनसे मैं मिली वहां के लोगों ने बोला ये ठंड में भी ये नीचे नहीं उतरते, बाकी लोग सन्यासी लोग नीचे उतर जाते हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे जहां गर्मी है, लेकिन ये ठंड में भी वहीं रहते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपको निकलने का मन नहीं करता, ठंड नहीं लगती? बोलते अब यहाँ की आदत पड़ गई है, अब यहाँ से हम निकल नहीं सकते, यमुना जी में ही रहेंगे, यमुना जी में ही हमारा शरीर जाएगा। तो मैंने कहा हमारा मन तो ऐसे ही होता है कि हम भी आगे हिमालय में आकर के रहे। बोले आओ रहो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तुमको भगवान ने रखा है वही तुम्हारे लिए सही जगह है, वहां से तुम भगवत चिंतन शुरू कर दो। भगवान कोई हिमालय में मिलने वाली चीज नहीं है, भगवान तो हृदय में प्रकट होने वाली चीज है, जहां तुम हो। हमारे लिए भगवान ने यमुना का स्थान रखा, हमारा ये जन्म यहाँ पर हुआ तो हम हमारे लिए यही ठीक है, आपको भगवान यहां वहां घुमा रहे आपके लिए वही ठीक है। जहां आपको भगवान ने बैठाया वहां आप ध्यान करने लगो, भगवान कहीं ऐसे ऐसे प्रकट नहीं होते, जिस जगह में आप हो अपने मन को शांत करो और भगवान आपके प्रकट हो जाएंगे। सही बात, तो हमको लगता है हिमालय बड़ा अच्छा है, लेकिन हिमालय की जो कठिनाई है वो अपनी अलग कठिनाई है, ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि देखो, कोई सोचे कि मैं संन्यास ले लूंगा, उससे उससे भी काम
नहीं चलने वाला। संन्यासा एव सिद्धि समाधि गच्छति, किसी को लगता है कि संन्यास से समाधि मिल जाएगी, नहीं, समाधि यानी समबुद्धि। किसी को लगता है मेरे नजर से ये झंझट दूर हो जाए फिर मेरी बुद्धि शांत हो जाएगी, नहीं, शांति के लिए जो क्वालिटीज डेवलप करना है वो चैप्टर 2 के 71 श्लोक में कहा गया, विहाय कामान्य सर्वा सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, विहाय कामान् निस्पृहा निर्मम निरहंकार। जब ये क्वालिटी आएगी तब शांति आएगी, जब शांति आएगी तब जाकर के ब्राह्मी स्थिति होगी, जब जाके ब्राह्मी स्थिति होगी तब आप समाधि में रहेंगे। घर से छोड़ करके भाग जाने से, केवल संन्यास का गर्व लेने से नहीं आने वाली। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करने वाले हो, युद्ध तो तुमको करना ही पड़ेगा, यहीं पर तुमको समाधि का भाव लाना पड़ेगा। मैं मेरे से निकल जाओ, मैं युद्ध करने वाला हूं उससे निकल जाओ। आगे आगे भगवान कहते हैं, तो दो चीज बताया भगवान ने, एक कि केवल काम नहीं करूंगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी कर्मबंधन से और मेरा योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। मैं कर्म नहीं करूं कर्म से मुक्ति, ऐसा नहीं होने, मैं सबको छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, संन्यास ले लूं और भगवान में अपने आप को पूरी तरह डाल दूं, ऐसा भी नहीं होता। आगे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा, पांचवा श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे फादर मुझे बार बार याद दिलाते थे, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये जो मैंने कहा ना ये सब आता था दिमाग में जब यंग थे, तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणः। मेरे फादर याद दिलाते थे, तब गीता इतनी स्ट्रांग नहीं थी मेरी, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था पापा कहाँ फंस गए हम लोग संसार में, कहीं संन्यास ले लेते तो अच्छा होता, तो पूरी तरह से डेडिकेट कर सकते भगवान की तरफ। तो वो बोलते ना ऐसा तो होता ही नहीं है कि कर्म किए बिना कोई रह पाए, तुमको लगता है तुम कर्म छोड़ करके भाग जाओगे और तुमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, जातु मतलब जो पैदा हुए लिविंग बीइंग, अकर्म किए बिना ऐसा कोई एक क्षण भी नहीं है जब आप बिना कर्म किए रह पाएंगे। आप हिमालय में भी चले जाएंगे, गुफा में भी चले जाएंगे, भूख तो लगेगी ना आपको, खाने के लिए निकलेंगे ना तो कर्म तो आप करेंगे, सांस आप ले रहे हैं ना तो कर्म तो आप करेंगे, तो कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन होने वाला ही, कर्म का फल होने वाला ही, तो कर्म बंधन, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हाँ, कर्म के फल से छुटकारा मिलने का रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये चक्कर तो चलने वाला है। तो कर्म से मुक्ति कैसे मिले, कर्म से नहीं, कर्म फल से, कर्म तो करना पड़ेगा। तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे, जो आपकी प्रकृति है, जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव से हेल्पलेसली अवशह, ये वर्ण है यहाँ पर, कार्यते ही अवशह, अवश होकर के, विवशता पूर्ण होकर के आपको वो काम करना ही पड़ेगा। सर्व प्रकृति जय गुण, ये प्रकृति से आए हैं, इसलिए कितना भी आप मन में सोचते रहे संसार मतलब फैमिली में रहे और सोचते रहे मैं सन्यासी बनूंगा सन्यासी बनूंगा सन्यासी बनूंगा, प्रकृति ऐसी दे ही है, दे के रखी है भगवान ने कि आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, उससे अच्छा जिस संसार में है जिस परिवार में है वहीं पर रह करके अपने सन्यासी गुण को डिटैचमेंट निष्प्रिया निर्मम निरहंकार इस चीज इस गुण को उसी परिवार में बैठ करके बढ़ाइए। अर्जुन को कोई गुफा में जाके मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन को युद्ध में ही वो स्थित प्रज्ञ, वो समाधि, वो सात्मिक बुद्धि, ब्राह्मी स्थिति, सब उसको यही प्रैक्टिस करना है, हमको भी यही प्रैक्टिस करना है। एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा जब आप कर्म नहीं करेंगे, तो कर्म तो करना है, कर्म फल से मुक्त कैसा होना है ये चैप्टर 3, 4, 5 का बेस है। किसी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट है, पूछ सकते हैं।
मेरा एक सवाल है, एक पॉइंट हम जब आप बात कर रहे थे कि हम हमको सबको लाइक हम गीता कर रहे हैं या अर्जुन जब कहते थे कि हम वापस घूम के चले जाते हैं और अपना ध्यान मतलब हम भगवान की तरफ लगाते हैं, तो जस्ट अ थॉट ऑल फ्रॉम एक्सपीरियंस आई क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम भगवान में मतलब इतना ज्यादा हम भगवान को मानते हैं या गुरु को मानते हैं कि गुरु के रास्ते चल रहे होते हैं, लेकिन जब वही चीज या वही टीचिंग्स हमें अप्लाई करनी होती है अपने रिश्तेदारों में या अपने रिलेटिव्स में या अपने लव्ड वंस में, तो वो रूल्स क्यों चेंज हो जाते हैं? गुरु तो कभी नहीं कहता कि तुम अपने माँ बाप का अनादर करो और मेरी पूजा करो, या तुम सारी दुनिया से बहुत बढ़िया रहो लेकिन अपने लव्ड वंस से तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक हो जानी चाहिए, येट तुम बस सारा टाइम मेरा नाम लो। मैंने आज तक कभी भी किसी गुरु किसी भगवान कोई टीचिंग ऐसी नहीं सुनी है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ से हम तो बिल्कुल टोटली कि जो है बस मेरा गुरु है मेरे भगवान है और हम बात करते हैं गुरु से और यू नो कि हम पूछते हैं और हम वही रास्ता चल रहे हैं जो हमारे गुरु हमको दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में मतलब हम कन्वीनियंस के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं तो मेरे को नहीं समझ आता फिर क्या फायदा इस चीज का, आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। और आई थिंक गुरु गुरु भी ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप गुरु से भी बढ़कर हैं पहले, मतलब आई डोंट नो फॉर मी, मेरे को अगर मतलब कल ही कुछ ऐसी बात हुई और मैंने अपनी मम्मी को यही बोला कि मम्मा पहली बात मेरे आप लोगों के लिए क्या करती हूँ, मेरे को किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है दुनिया में, हाँ आप लोगों को जस्टिफाई कर सकती हूँ या भगवान भी, एक बार मैं फिर बोलूंगी मैं भगवान को भी क्यों जस्टिफाई करूं, बट ठीक है क्योंकि वो भगवान है मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे लिए पहले आप लोग हो, आप लोगों ने ही भगवान का रास्ता दिखाया, आप लोगों ने ही मुझे भगवान से मिलाया, मतलब बट आई एम कॉन्स्टेंट ऑन दैट कि कम वॉट में मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम अपने माँ बाप का निरादर करके मेरे पास आओ, मतलब अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो नहीं जाना मुझे वैसे किसी गुरु के पास कि मैं अपने माँ बाप का निरादर करूं और जाऊं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ से दुनिया के लिए आप मतलब बस कि इस इंसान से तो अच्छा कोई इंसान ही नहीं है और इस इंसान से मतलब ये जो इसका कनेक्शन है गुरु के साथ इतनी अच्छी सोल है ये है, बट आप अपने लव्ड वंस को इतना दुख दूसरे पॉइंट पे दे रहे हो, तो आई डोंट नो मतलब ये बहुत मेरे दिमाग में चल रहा है जो मैं नहीं, और मैं जब बल्कि जब ये चीज देखती हूँ मैं डेफिनेटली यू नो जाती हूँ अपने जो मेरा घर में मंदिर है या जस्ट सोच के मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी को भगवान जी को कि आई एम सॉरी मैं निरादर नहीं कर रही, बट ये क्या चीज है? आप मतलब एक तरफ से आप कहते हो कि मैं हूँ और एक तरफ से जो आप ही के चाहने वाले आपके बेस्ट भक्त है वो ही आके बाकियों की बेइज्जती करते हैं, तो क्या कनेक्शन क्या है ये? मतलब फिर कैसे फेथ आएगा मुझे कि हाँ कोई है वहां पर, कोई एनर्जी है कोई पावर है, कि मतलब क्यों? आई रियली डोंट नो, आई कांट फैथम द फैक्ट, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस, बट इट्स बीन देयर इन माय माइंड। यस यस, एंड व्हेन यू स्पोक अबाउट अर्जुन राइट नाउ एंड दिस थिंग, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू आस्क, कि अभी तो आप ये मतलब आप बोल रहे हो गीता में हम ये बोल रहे हैं, हम लोग ये सब जानते हैं फिर भी करते चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्यों? I mean, I don't know. सबका एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रश्न है हर एक लोग, I'm telling you, जितने सुन रहे हैं ना सबके जीवन में ये सिचुएशन आई है, so it's a very valid thing, ये होता है जीवन में जब आदमी भक्ति के रास्ते प्योरली चलने लगता है। अब अर्जुन को देखो, वो अपने गुरु से लड़ने वाला है ना और अपने पितामह से लड़ने वाला, बीच में पितामह अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे और द्रोणाचार्य भी बहुत प्रेम करते थे, तो उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो लड़ रहा था धर्म और अधर्म के लिए, ठीक है ना? तो राइट और धर्म क्या है, अगेन एक चीज समझना, जो मैंने आपको आज ग्रुप में जो शेयर किया ना, एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल फॉर योर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड रिजेक्ट व्हाट इज अनफेवरेबल, ये स्टेटमेंट आप याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये मेरे गुरु की टीचिंग है इसलिए मैंने आपको शेयर किया वो। जब हम फैमिलियल रिलेशंस जो होते हैं उनके साथ जब हम डील करते हैं, है ना, पहले तो ये मान करके चलो जब बहुत सिचुएशन ही चली जाती है
कि किसी भी फैमिली पर्सन के साथ आपका नहीं पट रहा है, होता ही है। इसलिए नहीं पट रहा है कि पिछले जन्मों की दुश्मनी आप लेकर के चले उसके। तो कई बार आप भक्त हैं, आपको गीता की टीचिंग मिल रही है ना, तो आपको गीता की टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक रिलेशनशिप में जब गड़बड़ होने लगता है, कोई भी रिलेशनशिप में, तो जिसको ज्ञान मिल रहा है उसको मौका मिल रहा है टू प्रैक्टिस दैट। तो आपको नंबर वन चीज हृदय के अंदर, हृदय की हालत है इसमें दिखा, जो आपने कहा ना दुनिया को दिखाना, ना दुनिया को नहीं दिखाना है, भगवान को दिखाना है और अपने आप को दिखाना है। या ये दिमाग में बैठा लेना, स्पिरिचुअल पाथ, सेल्फ रियलाइजेशन, ये शब्द मैं 10 बार रिपीट करूंगी, सेल्फ 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 रियलाइजेशन का पाथ है। अन्य मुझे रियलाइज करे या नहीं, ये नहीं है, मेरा रियलाइजेशन, ये मेरा पाथ है, अंडरस्टैंड। तो अब समझो मेरे एक पेरेंट के हाथ मेरा ठीक नहीं जम रहा, मैंने पूरे प्रयास कर दिया, हम्बल बन गई, जितना कुछ मुझे प्रेम देना है देने का प्रयास किया, एज मच एज पॉसिबल ट्रुथफुल रहने का प्रयास किया, फिर भी अगर वो पेरेंट मुझे नहीं समझ पा रहा है, अगर पेरेंट के हाथ गड़बड़ हुई, तो समझ लेना कि पिछले जन्मों का अच्छा खासा तुम्हारा लेन देन है उसके साथ, और तुम वहां सिचुएशन में आ गए हो, भगवान ने लेकिन साथ ही साथ तुमको गीता का ज्ञान दिया, तो भगवान बोलेंगे उसको माफ करना। लेकिन यदि वो पेरेंट रॉन्ग बिहेव करता है तो उसके रॉन्ग बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करना, रॉन्ग बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करना, पेरेंट को समझाना, फिर भी अगर वो नहीं समझ रहे तो माफ करना उनको, माफी तुम्हारे हृदय की स्थिति है, क्योंकि अगर तुमने माफ नहीं किया तो तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो वो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो आप अंदर से माफ कीजिए, भगवान के सामने बैठिए, भगवान आप इस रूप में आकर के मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, जो सिखा रहे सिखाइए भगवान, शक्ति दीजिए, ऐसा भगवान से बात करते रहिए। हाँ डेफिनेटली, कई बार ये सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ, लेकिन इसी की कंटिन्यूएशन है कि ऐसा होता है कई बार, यू नो ये खुद सेल्फलाइजेशन होती है कि ठीक है कि भगवान आप मेरे को कुछ शायद सिखा रहे हैं, एंड आई विल फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट द पर्सन फॉरगो, एंड ठीक है वो ऐसी हरकत कर रहा है, लेकिन कहीं जाके कहीं बार तो ऐसा भी होता है ना कि बस यार, मतलब कितना ज्यादा हम कितना आपको वहां से फॉरगेट करते रहो, उस जगह से हटना पड़ेगा जो आपके मन के चैन को मतलब होता है ना खत्म कर दे, चाहे वो आपका प्रिय ही क्यों ना हो, अगर आपके मन के चैन को अगर वो खत्म कर दे, मैं आपको एक 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 सूरदास जी की ना एक ये सुनाती हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट है, मीराबाई के ऊपर था ये। मीराबाई को कितना सताया लोगों ने, स्मिता जी एक मिनट, इनका क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा समझ नहीं पाई, क्या कहना चाहती है कि जब घर के अंदर जब रिलेशंस होते हैं ना कई बार, तो किसी किसी के साथ ठीक नहीं चलता, चाहे अपने पेरेंट्स ही हो तो उनके साथ कई बार रिलेशन ठीक नहीं होता, तो हम माफ करने ही कई बार का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सामने से वैसा रिस्पांस कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो मन के अंदर वो द्वंद चलता रहता है कि कब तक हम अच्छे बने रहे ऐसा प्लस अगर मैं एड ऑन इसमें करूं, ऐसा भी कि एक तरफ से हम भगवान को बहुत मानते हैं, लाइक इफ एज अ डॉटर मैं कहूं मैं भगवान और गुरु मेरे लिए सब कुछ है, और मैं अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करूं, अपने लवर्ड वंस की बेइज्जती करूं, और फिर भी मैं बोलूं मेरा भगवान तो अच्छा है, पर क्यों, मतलब कोई गुरु या भगवान आपको थोड़ी कह रहा है कि आप अपने यू नो अपने लवर्ड वंस की बेइज्जती करके और अपने पेरेंट्स के ऊपर स्टेप अप करके मेरे को पूजो, नहीं वो नहीं है बात, पेरेंट के ऊपर स्टेप अप करने की बात नहीं है। हाँ अगर वो गलत जाते हैं तो उनको रोकना, गलत भी कहां, यदि आप अगेन मैं बोलती हूँ, यदि आपके आपके मन की स्थिति अगर चेंज हो रही है और आप भगवान की तरफ नहीं जा पा रहे पेरेंट के बिहेवियर की वजह से, तो उनको छोड़ने में कोई हानि नहीं है। नहीं नहीं एग्री, मैं आपको मैं थोड़ी कंफ्यूजन है, आप पहले समझा दो फिर मैं ये पॉइंट पे एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि जो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन आई थिंक जो मेरे बोलने और आपके समझने में हुई है, आई थिंक इट इज नॉट कि पेरेंट का बिहेवियर, लेट्स से एज अ डॉटर ओके और एज अ चाइल्ड आई एम फॉलोइंग वन भगवान जी और आई एम फॉलोइंग अ गुरु जी ओके एंड आई एम टोटली मतलब मैं वो गुरु जी के कहने में सब कुछ कर रही हूँ और मैं वो टू द टी फॉलो कर रही हूँ, मुझे मैसेज भी आते हैं, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट जब एज लाइक इफ माय पेरेंट्स नीड मी
मेरा बिहेवियर उनकी तरफ इतना चेंज हो जाता है कि मैं वो मतलब एज अ चाइल्ड मैं भूल जाती हूँ जो मेरी टीचिंग्स हैं, या मैं कह रही हूँ कि मैं तो बड़ी शांत हो गई हूँ एंड आई लेट आई फॉरगेट अबाउट थिंग्स एंड आई फॉरगिव पीपल, बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग दैट व्हेन इट कम्स टू माय लव्ड वंस, वेदर इट इज माय पेरेंट्स और एनी फैमिली मेंबर. सो इट इज नॉट एबल टू फॉरगिव देम. No, no, I am not doing this. I am not doing this. This is a situation where I am facing a person, my loved one, is very, very spiritual, very spiritual. Mm-hmm. And but my conflict is just that if you are so spiritual, you are talking about the teachings, you are preaching the teachings. But then why is that preaching only meant for outside your loved ones? Why not for all of us? Yeah. It is meant for everybody. Exactly. Then why does this happen? I mean, how do we just kind of accept the fact that ठीक है भाई मतलब कोई भी हमारी कोई वो होगी कि भाई तुम हमारे साथ ऐसे हो और बाकियों के साथ अच्छे हो. मतलब आप समझ रहे हो क्या? अगर अगर वो तुम्हारे मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे मन के पीस को अगर वो चुरा रहे हैं तो छोड़ दो उनको, उनको अपने रास्ते जाने दो. सच बात बोल रही हूँ, उसमें कोई गलत नहीं होगा. और जब सेवा का मौका भगवान ने दे दिया कभी मन में ये मत सोचना. अगर पेरेंट्स हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, पेरेंट्स हैं आपको उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये बिल्कुल झगड़ा हो कुछ भी हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भगवान ने अगर वहां बैठा दिया है आपके हृदय में कभी उनके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए. आपको जब सेवा करने का मौका मिले आपको सेवा करनी है. बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए मैं तो कहती हूँ आपके चित्र की चुनाव होना हो बस. बिल्कुल मेरे लिए वही मैं बोल रही थी कि मेरे लिए प्रोबेबली मेरे माँ बाप पहले हैं, भगवान विल बी नेक्स्ट, क्योंकि हाँ. जो है मुझे पहले उनके लिए करना है. उन्होंने जब हाँ. मौका था उन्होंने मेरे लिए प्रॉबेबली सब कुछ करा, करते हैं. इसी तरह हाँ. इस एज में आके इट इज राइट नाउ दे डोंट नीड एनीथिंग अदर देन जस्ट एन इमोशनल सपोर्ट यू नो फॉर आवर पेरेंट्स एट दिस एज ग्रुप. तो और पर जब आप देखते हो कि आप ही के लव्ड वंस उनको इतना हर्ट कर रहे हैं देन व्हाट डू यू डू. कितनी बार आप यू ट्राई टू स्टॉप देम इफ दे डोंट. देखो मैं अगेन बोलती हूँ, तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट के तरफ जो भी तुम्हारा फीलिंग है यू डू इट टू कि तुम्हारे दिल में कभी मलाल ना हो. ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल. दूसरे अगर वैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको गीता का ज्ञान नहीं मिला है, वो नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है. उस जो दूसरा और तुम्हारा तुम्हारे जो पेरेंट है, अगेन दे आर टू सोल्स जिनके अंदर कार्मिक एक्सचेंज चल रहे हैं. आप हजार कोशिश कर ले फिर भी उनकी बुद्धि नहीं चेंज होगी जब तक वो कर्मा सेटल नहीं होता. उसमें से एक जन को, चाहे वो आपका पेरेंट हो चाहे वो दूसरा पर्सन हो, एक जन को महान बनना पड़ेगा और दूसरे को माफ करना पड़ेगा. अगर दो जन की लड़ाई चल रही है तो दोनों एक दूसरे को रिपीट रिपीट दे रहे हैं, चुप रहने के बावजूद मन से दे रहे हैं. तो माँ बाप को महान बनना पड़ेगा, माँ बाप को महान बनना पड़ेगा, बच्चों को माफ करें. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप भी अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते हैं तो उनके अंदर भी वो अहंकार रहता है और वो अहंकार से वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं हर्ट किए रहते हैं बचपन से. फिर वो अहंकार ऐसा बढ़ता है वो बच्चे का कि फिर वो रिपीट रूप में आता है. चाहे वो बच्चा स्पिरिचुअली ग्रो हो जाए चाहे वो माँ बाप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाए, एक भी जन उसमें से ग्रो होगा ना तो वो दूसरे को माफ करेगा. जब वो माफ करके और चित्त से वो हेटेड निकाल देगा और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगा तब जाके चित्त की शुद्धि होगी. सो अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, आपका आपके माँ बाप के रिलेशन है, आप अपने ही सफाई कर सकते हो, अपने ही चित्त को साफ कर सकते हो. दूसरा आपके माता पिता का कैसा बिहेवियर कर रहा है आप कुछ नहीं कर सकते नहीं उसका, क्योंकि उनका लेन देन है. करेक्ट. आप ज्ञान दे सकते हो लेकिन आपके ज्ञान को भी वो सुनना नहीं चाहेंगे. भगवान गए थे शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए, नहीं माने क्या? लेकिन अपने आप को भी महान मतलब फॉरगिव करना और एक स्टेप पीछे लेना कि सब कुछ शांत हो जाए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है. माफ करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल पाथ यही है. आपको उस व्यक्ति को भी जो आपने माता पिता को सता रहा है ना, उसके कर्मों को आप हेट कर सकते हैं, उस व्यक्ति को हेट नहीं कर सकते. उस व्यक्ति को माफ करना होगा और अपने प्रार्थना में प्रार्थना करनी होगी कि भगवान ये व्यक्ति मेरे माता पिता के साथ ऐसा वैर भाव रखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, हे भगवान कृपा करके इस व्यक्ति के मन में भी मेरे माता पिता के लिए जो घृणा है वो दूर हो जाए. संत आदमी यही करते हैं, प्रार्थना करते हैं.
एवरीबडी इज वीक एट डिफरेंट पोजिशंस, प्रार्थना करते करते ठीक हो जाते हैं। आप ये अपना रास्ता है बस, दूसरे का रास्ता है नहीं। आपका आचरण शुद्ध होगा तो आपको देखा देखी बहुतों का आचरण शुद्ध हो जाएगा। आपकी वाइब स्ट्रांग कीजिए, और आपकी वाइब तभी स्ट्रांग होगी जब आप सबको माफ करेंगे और सबकी सेवा निष्काम भाव से करते रहेंगे। भगवान ने, मेरी माँ कितनी भी खराब हो सकती है, भगवान ने इसी को मेरा माँ बनाया है तो मुझे इतनी सेवा करनी है। हाँ, वो तो रीजन से दिए, सारे रिश्ते भगवान ने रीजन से दिए, मुझे ये लगता तो मुझे इसकी, हाँ, तो मुझे इसकी सेवा करनी है। क्यों? भगवान ने दे दिया है। वही मैं बोलती हूँ ना, जब भगवान को बीच में लाते हैं ना बड़ा आसान हो जाता है, और ये जब मेरा और उसका डीलिंग होगा ना बड़ा कठिन हो जाता है। जब ये सोचते हो अरे कृष्ण भगवान ने इसी को दिया है, इसी के साथ झेल लेते हैं, चलो कर लेते हैं निष्काम भाव से, भगवान आप प्रसन्न हो जाए। एक गोल होना चाहिए, भगवान जब मैं शरीर छोड़ू भगवान आप मुझे गले से लगा लो, मुझे संसार प्रेम करे या न करे, माता पिता प्रेम करे या ना करे, भाई बहन प्रेम करे या ना करे, मित्र प्रेम करे या ना करे, कोई मतलब नहीं। भगवान आप ही अलग अलग रूप में आए हैं, मुझे मालूम है, मुझे सिखाने के लिए। हे भगवान, आपने जो गीता की टीचिंग दी है, निष्काम भाव से मैं सबका सेवा करूं, ये करने के बाद जब मैं आपके पास आऊं, हे भगवान आप गले से लगा लो, ये गोल बन जाएगा ना, सबको माफ करते जाओगे आप और सबकी सेवा करते जाओगे विदाउट एनीथिंग रिटर्न। एब्सोल्युटली Absolutely. Thank you. Thank you. एक मिनट, रेखा दीदी का एक मैसेज आया था। अच्छा, इन रेखा दीदी का मैसेज था, I am in same situation with my children, maybe it's our past karma. यस दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही past karma है। तो हम माता पिता हैं तो हमको उनको माफ करना चाहिए आपके position में, और बच्चों के situation में बच्चों को माफ करना चाहिए। स्मिता, मेरा इसमें एक आगे क्वेश्चन और है, अभी सुन के मेरे को दिमाग में एकदम से आया। सो समटाइम्स वी हैव टू गिव स्पेस टू अदर्स टू वर्क आउट देयर कर्मा, राइट? मुझे दिख रहा होगा कि वो बहुत दुखी है, या मुझे, सो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि मैं जाके हेल्प करूं। अगर मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हूँ तो क्या मैं उनका कर्मा जो वर्कआउट होना चाहिए मैं वो रोक दे रही हूँ? सो मुझे थोड़ा अपने आप को पुल बैक करना चाहिए, अपने आप को पुल बैक करना। अगर आपको हेल्प, दोनों ही सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप वहां पर हेल्प करते हैं और वो व्यक्ति हेल्प लेना चाहता है तो अच्छी बात है। आप अगर पुल आउट करते हैं फिर भी आपके मन में ये भावना है कि मुझे हेल्प करना है, तो उस समय भी प्रार्थना करनी चाहिए। आपके पूरी प्रार्थना को उस व्यक्ति के लिए डेडिकेट करना चाहिए। मैंने यही सीखा है, प्रार्थना जब डेडिकेट कर देते हैं, बुद्धिस्ट की जो मैंने आपको चार टीचिंग बताई ना, जो भी प्रार्थना करो सबके लिए, आपके दुश्मनों को पहला रखो, जिनके साथ आपके अनबन है, हेट्रेड है, सबको एक लाइन से खड़ा कर दो और सबको अपना प्रार्थना दे दो, भगवान मैंने सबको दे दिया, तुम सब प्रसन्न रहो, तुम सब खुश रहो। ऐसे आप जब ऐसा देते हैं ना, वो हंसी, वो खुशी इतनी मल्टीप्लाई होती है, आई कांट इवन टेल यू, बहुत अच्छा लगता है, मन हल्का लगता है। तो सबसे बड़ी हेल्प आप कर सकते हैं किसी के लिए, वो प्रार्थना कर सकते हैं। साधु सन्यासी, संसार में कितने साधु सन्यासी हैं जो गुप्त रूप में अभी भी छुपे। मैंने आपको बताया ना, यमुना के में सन्यासी को इनको मिल के आए, वो निकलते ही नहीं बाहर। और ऐसे हिमालय के अलग अलग गुफाओं में ऐसे इतने संत निकलते ही नहीं बाहर। तो मैंने उनसे प्रश्न किया एक बार कि आप निकलते क्यों नहीं है, आप लोगों के पास इतना ज्ञान है, आप संसार में आते क्यों नहीं है? तो उन्होंने यही मुझे उत्तर दिया, जो हम गुफा में बैठे, जो हम वाइब्रेशन छोड़ते हैं, उसी वाइब्रेशन की वजह से, इतने साधु संत जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं, उसी वाइब्रेशन की वजह से इस कली काल में भी आज भी धरती ठीक ठाक चल रही है, प्रकृति ठीक ठाक चल रही है। तो जो कुछ साधु संत कर्मयोगी होते हैं वो बाहर आके काम करते हैं, और कुछ साधु संत गुफाओं में बैठ करके अपने अच्छे वाइब्स देते रहते हैं। तो आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिकली एक सिचुएशन में है, आप उस व्यक्ति का हेल्प करें अपने अच्छे हृदय से। आप कई बार ऐसा होगा, आप अपने अच्छे हृदय से हेल्प करें, हो सकता है वो व्यक्ति आपको नहीं समझे, उसको लगे कि नहीं आप तो उसको अटैक करने आ रहे हो। ऐसा होता है, जानवर को हम हेल्प करने जाते हैं और जानवर को लगता है हमको अटैक करने वाला है, वो हमको ही अटैक कर देगा जानवर। तो वो व्यक्ति की रजोगुण तमोगुण जो भी है, उसने हमको अटैक किया, कोई बात नहीं, आपके हृदय से आप हल्के रहेंगे। ये जर्नी स्पिरिचुअलाइजेशन की जो है अपनी है ना, अपना हृदय हल्का हो, अपना चित्त साफ हो, अपना मन क्लियर हो, बस। और अच्छा काम आप करते जाओ। उसने अटैक कर दिया, उस समय पे गुस्सा आएगा, उसको अटैक को रोकने के लिए आपको क्रोध दिखाना पड़े, दिखा दो, लेकिन वो क्रोध बाहर ही होता है। जैसे आप घर गए,
घर के अंदर साधना में बैठे, हे भगवान ये गलती हो, गलती भी नहीं होगी भगवान, उस समय डिफेंड करने के लिए मुझे क्रोध दिखाना पड़ा था, मैं जानती हूँ उस रूप में भी आप ही थे, वो समर्पित आपको, क्रोध भी आपका, प्रेम भी आपका, हेल्प भी जो मैंने किया वो भी आपका। जब आदमी सब कुछ भगवान को दे करके शांति से फिर भगवान के पास बैठता है, आहा हा हा वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। समझ में आया सुमिता? यस 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 संजय, थैंक यू। भगवान को ला लो बीच में सब लोग, ठीक है ना? चलिए आज क्लास लंबी हो गई, कल मिलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।